खाएंगे। नहीं नहीं तो आज बांग पे ही बोलो ना, आप जो भी बोलो कोई बात नहीं, पर मेरा बोलने को एक टेंट जो पहले ले लेना फिर दूसरा ले लेना, ताकि एक बार हम मिक्स करेंगे तो फिर वो ना तो आगे गिराएगा ना पीछे गिराएगा, तब आप ये कर लेंगे बाइट, अगर बाइट अलग से बोला तो नहीं नहीं अभी 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 ठीक फिर वो रह जाता। सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के सभी मेरे अपने बंधुओं का आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वरिष्ठ यहाँ पे सभी कांग्रेस के जितने भी आप परिचित हैं सभी से आप सबका स्वागत है। मुझे काफ़ी समय के बाद, यानी कि लगभग मैं समझ रहा हूँ कुछ समय हो चुका है कि मैं आपके साथ रूबरू नहीं हुआ हूँ, और इस बीच में बहुत सारी बातें हुई है, और जो खास तौर पे हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पिछले जो विधानसभा के दौरान जो एक चर्चा आई थी, और जिसका कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र और जिला कुल्लू और हिमाचल में बहुत बड़ा प्रभाव है, उसमें ये था कि जब भाजपा के वहाँ पे पूर्णचंद ठाकुर जी ने एक चर्चा भांग की खेती के ऊपर विधानसभा में लेकर आए, ऐसी चर्चाएं कई बारी हुई, और मैं तो खासतौर पे जब पिछले 5 साल विपक्ष में था तो बहुत सारे मौकों पे मैंने ये चर्चा लेकर आया। पहली बारी मेरे साथ सीपीआईएम के एक सदस्य खड़े थे, अगली बारी को कुछ कांग्रेस के लोग खड़े हुए, उसके बाद फिर दवाला जी खड़े हुए, तो क्योंकि मैं विपक्ष में था तो मेरी बात को उस वक्त इस करके नहीं सुना जाता था, फिर मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में हमने हमारे जो एडवोकेट देवेन खन्ना उनके माध्यम से हमने एक रिट पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में डाली, वहाँ पे 2 इंटरिम ऑर्डर्स आए कि सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार को पॉलिसी क्यों बनानी है, क्योंकि जो कैंसर की दवाइयाँ भांग से बन रही है वो दवाइयां आज अमेरिका या यूरोपीय देशों से या और देशों से आ रही है, जिसमें कि हमारा बहुत सारा धन लग रहा है, और वो सारी की सारी दवाइयां भांग से बन रही है, कैंसर पेशेंट्स के लिए, अल्जाइमर के लिए और अर्थराइटिस के लिए, पेन किलर्स, और ये जो हमारा जितने भी एब्डोमिनल डिजीज अल्सर्स वगैरह है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके साथ में हमारे बहुत नौजवान पूरे हिमाचल के जेलों में इस करके सड़ रहे हैं, नौजवान बुजुर्ग इस करके सड़ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इस धंधे में मुखिया नहीं है, मुखिया सरगना नहीं है, वो छोटे छोटे कैरियर हैं, और उनके परिवार के परिवार तबाह हो चुके हैं। ऐसे में हमने जब ये चर्चा विधानसभा में आई तो उसके बाद ये मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि इसकी कमेटी बनेगी, और वो कमेटी हमारे जो रेवेन्यू और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, ट्राइबल मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में बनी, मैं उसमें मेंबर हूँ। उसके साथ में डॉक्टर हंसराज चुरासे और बरमौर से जो बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं, हमारे आईजीएमसी के रहे हैं डॉक्टर जनकराज, वो भी मेंबर है। पूरन जी उन्होंने जिन्होंने मूव किया था वो मेंबर है। शौरी जी को मैंने स्वयं क्योंकि उन्होंने हिस्सा लिया था उनको भी मेंबर जोड़ा गया, और केवल सिंह पठानिया जी उन्होंने खुद कहा कि कांगड़ा में भी बहुत सारा इसका प्रभाव है, जिस खेती से बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि बंदर भी भांग की खेती को नुकसान नहीं पहुँचाते। ऐसे में जो खेती छोड़ चुके लोग, आज हमने सीधे तौर पे जैसे कमेटी का गठन हुआ, मुख्यमंत्री जी के आदेश हुए, तो हमने कमेटी ने यहाँ से उत्तराखंड जो कि बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पे पिछले 4 सालों से भांग की इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, उसमें इंडस्ट्रियल भांग उगेगी,
वो इंडस्ट्रियल बैंक क्या होगी, उसमें नशा नहीं होगा। ये जो लोग बार बार कह रहे हैं और ट्रोलिंग कर रहे हैं कि बैंक का नशा, बैंक का नशा, इससे नशा खत्म होगा। इसमें जो है, जो हमारी जो भांग रहित जो खेती है जिसमें जो नशे की मात्रा नहीं होगी, उसमें जो है दवाई की मात्रा जिससे दवाइयां बनती है उसकी मात्रा पूरी होगी, उससे कैंसर की दवाइयां बनेगी। वही मैं दोहराऊं, कम से कम ऐसी सैकड़ों बीमारियां हैं जिनकी दवाई उसमें है। मैं हम खेती देखने गए वहां पे सैलाकुई में, जो है इनका रिसर्च सेंटर है, और वो रिसर्च सेंटर जिसमें कि प्रदेश के प्रधानमंत्री ने उस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया, वहां पे जो है सीनियर साइंटिस्ट उनसे मिले, उनसे हमने वहां पे, क्योंकि हेम्प के मामले में हमारा प्रदेश पिछली सरकार में पिछड़ा है। पिछली सरकार ने अगर पहल की होती कोर्ट के आदेश पर, और अगर वो अग्रणी प्रदेश बन गया होता तो आज उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए खेती अलाउड है, हम गए थे, वैध फार्म था, कम से कम 1 हेक्टर में वो खेती वहां पे लगी हुई थी और वो दवाइयों वाली भांग थी। ऐसे में हम गैर कानूनी काम क्यों करेंगे? हमारे गांव का युवा, हमारे गांव के लोग, जो एक कुदरत का पौधा है और जिसे कि औषधियों का राजा माना गया है, जैसे फलों का राजा आम है, औषधियों का राजा भांग को माना गया है। सदियों से इस हमारी देवास्ता से ये जुड़ी हुई चीजें हैं, और ऐसे में मात्र जो है, हम जब उस संस्थान में गए तो हमने देखा कि इस भांग के अंदर नशे का ही पदार्थ नहीं है, उसके अलावा कम से कम दर्जनों ऐसे पदार्थ है जिनसे अलग अलग किस्म की दवाइयां बनती है, ऐसे कंपाउंड है। हमने इतने ब्रिकी उनके जो उन्होंने स्टडी हमारे को बताई कि कितने किस्म के है कंपाउंड। हो सकता है जो भांग अगर च्वार के च्वार घाटी में उगरी है या भरमौर में उगरी है, उसमें हो सकता है कैंसर की दवाई निकले, दूसरे में हो सकता है कि अस्थमा की दवाई निकले, मतलब इतने कंपाउंड्स है उसमें। सारे कंपाउंड को अगर हमने जो पढ़ा वहां पे, बड़े बहुत बड़ा 300 करोड़ का वो जो वहां पे सैलाकुई में वो है कैप का एक सेंटर है उनका, जिसमें हम गए थे, तो वहां पे उन्होंने जो आज उत्तराखंड शीर्ष भांग की खेती के लिए शीर्ष प्रदेश बन गया है, स्टडी के लिए भी, रिसर्च के लिए भी, वहां रिसर्च हो रही है। तो जब वहां पे देखा गया, उसके बाद हम वहां पे देखा हमने कि मगोड़ू के जो है पीसने के वहां पे वो लगे हैं, वो जो है तेल निकालने का, भांग के बंगोलू के जो तेल निकालता है उसकी चक्कियां लगी हुई है, और उसमें जो बंगोलू का तेल तो निकल रहा है, उसके साथ में जो उसका जो प्रोडक्ट जो बचता है, उसका जो लास्ट में वो चॉकलेट सी बचती है, उसकी चॉकलेट बनती है, वो बॉडी फिटनेस वालों को उसकी डाइट दी जाती है। और वहां से हम पूरा, हमने भांग के घर बन रहे हैं, भांग की ईंटें बन रही है जो स्टेम है, और उसमें जब हमने पाया कि उसके भांग के, अगर आप इसमें लीगल खेती, अब बात आई कि हमने उत्तराखंड के एक्साइज डिपार्टमेंट को, हमारा भी एक्साइज डिपार्टमेंट के गए थे कि यहां से हिमाचल से, और उत्तराखंड के भी एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग को बुलाया था, और हमारे अपने वहां पे जो पूर्व में वहां मुख्य सचिव रहे सुभाष कुमार जी, जो स्पीति में से थे, वो बहुत समय तक वहां रहे, वो भी आए, और वहां के लोगों ने जब हमें बताया कि जो औद्योगिक खेती वहां पे बांकी हुई है उससे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। उससे कैसे फायदा मिलेगा कि हमारे पास, उनके पास खड्डियां इतनी नहीं जितने हिमाचल में हर घर में खड्डी है, इतने बड़े बड़े हथकरघा उद्योग लगे हुए। मेरे को एक जैकेट, मैंने उस दिन आपने देखा होगा, एक जैकेट भांग की जैकेट थी जो मैंने पहन रखी थी, मेरे को कंपनी वालों ने जब हमने बात कही तो उन्होंने मुझे प्रेजेंट की थी वो भांग, कि आप एक मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे तो आप ये
तो कुदरती हो, मैं वो जैकेट मेरे साथ ही। वो जो जैकेट अगर हमारी आम जैकेट, ये ऊन की जैकेट या हमारी कॉटन की जैकेट अगर 500 रुपए में बिकती है, तो भांग की जैकेट 5000 में बिकेगी, 10 गुना उसकी कीमत है। लेबर उतनी है, खड्डी ये दांगा दागा मार को देना है रेशा, वो देना है हेम्प फाइबर। आप देखिए एकदम से अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी जाएं, तो एक मतलब आज जो हम ताना बाना ऊन का या कॉटन का लगा रहे हैं, इस ताने बाने को अगर हम भांग से रिप्लेस करें, भांग का ताना बाना बहुत सॉफ्ट है, और कॉटन में तो ऐसा है कि कॉटन जब उगती है उसके साथ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कितनी स्प्रे करनी पड़ती है कॉटन में, कई कुछ उसमें जाता है। तो आज इससे हथकरघा क्षेत्र में, हैंडलूम में, खड्डियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, 10 गुना। एक हथकरघा का जो हमारे बुनकर है उसकी कमाई 10 गुना बढ़ जाएगी। और एक हमारे पास सीधा है, उसमें उसमें कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हिमाचल के लोग, हिमाचल की सरकार हिमाचल के लोगों के फायदे के लिए काम करें। नशे वाली भांग को हम कोई फिर से दोहराना चाहेंगे, कुछ एक लोग जो जिनका उद्देश्य ये होता है कि सही चलते रास्ते में कुछ उठपटांगो फेसबुक पे या इस पे डालते रहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आज इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा, नशे का खात्मा होगा, नशे की मुक्ति होगी, कंट्रोल्ड सरकारी कंट्रोल में ये चीजें जो हमारे दवाई के कारखानों को जाएगी, ये पूरा पूरा पेड़ ही जाएगा, वो खुद अपने हिसाब से उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे। जब हमारे एक खेत में, और इसमें एक और फायदा है, इसको हम अगर सेब के बीच में इंटरक्रॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन इसकी जड़ें पैदा करती है, सेब को फायदा पहुंचाएगी वो, क्योंकि वो नाइट्रोजन छोड़ती है, इनको लेगुमिनस रूट्स बोलते हैं, जिसमें कि वो फायदा मिलेगा। तो एक इंटरक्रॉप के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने फिर हम सीधे वहां से, जब हमने उत्तराखंड के लोगों से सारी जो चर्चाएं की, डिपार्टमेंट से की, सारे विभागों से करके, तो हमारे को ये था कि अब इसकी वैधता को लेकर, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का दफ्तर पीछे आजादी के बाद कहते थे कि वो दफ्तर शिमला में होता था, लेकिन मध्य प्रदेश ने, जहां पे कि इतनी बढ़िया किस्म की भांग होती भी नहीं है, उन्होंने, क्योंकि वहां अफीम की खेती होती है, उनको पता है, उन्होंने सरकारी कंट्रोल में कैसे खेती करते हो अफीम की, जिससे जिससे उनको बहुत राजस्व आता है, लोगों को बहुत फायदा मिलता है, तो उन्होंने भांग के ऊपर भी पॉलिसी बना दी मध्य प्रदेश ने। और हम यहां से ग्वालियर, क्योंकि नारकोटिक्स ब्यूरो का दफ्तर जो ऑल इंडिया का है, वो जो है अपना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का हेड ऑफिस पूरे भारतवर्ष का, जो जिसके ऊपर अफीम की लाइसेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सारा ग्वालियर में है। हम सीधे वहां से हमने फ्लाइट ली जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से, और पूरी की पूरी टीम हम ग्वालियर पहुंची, और ग्वालियर पहुंचते हम हमने उनके जो मुख्य जो डायरेक्टर नारकोटिक्स के है ब्यूरो को, उनको मिले, हमने पूछा कि आप बताइए हमें, उन्होंने हमें अफीम की खेती का कानून बताए कैसे होता है, हमने कहा, उन्होंने कहा भांग पे, जो भांग का पौधा है या बीज है, इसके ऊपर कोई कोई कानून नहीं है जो इसको रोकता है कि भांग का पेड़ आप उग रहा है, उगा रहे हैं, कोई ऐसा कानून नहीं है। अगर आप लीगल टर्म में जाएंगे कि वो जुर्म है, जुर्म सिर्फ एक है कि भांग का जो फूल होता है ऊपर उसके दाने निकाल रहे हैं, दाने रखना कोई जुर्म नहीं है, दाने से तेल निकालना कोई जुर्म नहीं है, पत्ती को इस्तेमाल करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उसमें जो अभी तक जो लीगल एस्पेक्ट आता है कि उसमें जो रेशा निकाला, जो उसका रेजिन, रेजिन यानी कि जो मलते हैं, वो एक जुर्म है, प्लांट एक जुर्म नहीं है, लेकिन कानून के
जिनको ज्ञान नहीं है, जब हमने पूरे उनसे स्टडी किया तो समझ में ये आया कि आज तक इन बातों को गहनता से किसी ने पढ़ा ही नहीं, इसके गुणों के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है कि व्हेन यू स्मोक भांग, व्हेन यू स्मोक हेम्प, मैरिजुआना एक ही शब्द है, एक ही नाम है, पर्यायवाची शब्द है ये, हेम्प मैरिजुआना और भांग, ये सारे जब आप इसको पीते हैं तो ये नशा करता है, जब इसको खाते हैं तो ये दवाई है। ये एक बहुत बड़ी, इसको किस मात्रा में खाना वो एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, दवाइयां उसी कंपाउंड की बनेगी, वैसा है। तो आज जो हमारा इतना औषधियों से भरा हुआ जो एक ये हमारे पौराणिक जो वेदों से जुड़ा, आयुष से जुड़ा हुआ, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ पौधा, उसकी स्टडी हमने एक अंतरराष्ट्रीय प्रेशर था किसी वक्त, और जब 1985 में ये कानून लागू हुआ था तो इसको एक ही कानून था जो बिना चर्चा के लागू कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड में जो बड़ी बड़े देश थे वो उन्हें मालूम था कि ये जो भांग जो है, भांग की अगर प्रॉपर यूज होने लग जाएगा तो इससे उनका जो बाकी लिकर इंडस्ट्री थी, नशे शराब की इंडस्ट्री थी, आप देखिए शराब में तो परिवार के परिवार तबाह हो गए हैं, लेकिन उसके ठेके भी अलाउ हो रहे हैं, उसके जो है उससे इतने उससे क्राइम होता है, सब कुछ अलाउ हो रहा है। यहां पे हम नशे को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसके औषधीय गुण, भांग का इस्तेमाल दवाइयों के लिए और उद्योग के लिए, एक लाइन। हम जो सरकार जो सोच रही है पॉलिसी बनाने का, भांग का इस्तेमाल दवाइयों के लिए और जो है उद्योग के लिए। उद्योग मैंने बता दिया क्या क्या होंगे, दवाइयां आपको बहुत सारी विस्तृत में हमने बता दी। अब ये है कि कमेटी ने अपना जो है दो प्रदेशों में जिनमें कि प्रमुख प्रदेश थे, वैसे देखा जाए तो हिमाचल, कुल्लू मनाली, क्योंकि जो कंपाउंड जो हमने ये भी देखा कि कुल्लू मनाली की जो भांग के अंदर जो हमने शोध के उनके पढ़े कि उसमें ऐसे कंपाउंड है, आप उस बीज को, एक बीज को आप ले लो, उसको अगर आप उत्तराखंड में उगाओ वहां पे देहरादून के नजदीक, उसी बीज को अगर आप यहाँ छुआर घाटी में उगाओ, मणिकर्ण घाटी में उगाओ, लग वैली में उगाओ, या आप भरमौर में उगाओ, कांगड़ा में उगाओ, तो उन सब में बीज सेम है, लेकिन वो पर्यावरण के हिसाब से जो एल्टीट्यूड के जो अपना ऊंचाई के हिसाब से समुद्र तल से कितना ऊपर है, और पर्यावरण के हिसाब से उनमें जो अंदर कंपाउंड पैदा होते हैं, जो गुण पैदा होते हैं, वो सब अलग है। तो ऐसे में जो हमारे हिमाचल के या मलाणा का या पार्वती घाटी है या और सारी घाटी, हो सकता है पार्वती घाटी की एक जो अभी तो अभी लोगों के जहन में एक ही नशा घुसा हुआ है, हम कह रहे हैं कि हम अभी अगर इस पॉलिसी को लाना है तो क्या होगा। अब विस्तृत जो है चर्चा के लिए कमेटी जा रही है, और कमेटी 11 तारीख को कुल्लू में, अभी जो 11 जून को कुल्लू में एक पब्लिक हियरिंग जो कि जिला प्रशासन के माध्यम से करेगी, पब्लिक हियरिंग में सारी पंचायतों को इन्वॉल्व किया जाएगा, एनजीओस को इन्वॉल्व किया जाएगा, और जिस इलाके से मांग होगी ज्यादा हम उसी इलाके में इसकी कितनी खेती होगी। अभी तो यह है कि अगर हमारा प्रदेश इसमें पहल करता है, अभी मणिपुर भी इसको लीगल करने जा रहा है, गुजरात ने भी अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, अब वो क्योंकि सारे ग्रीन हाउस में अंदर खेती करेंगे, वो तो अपना एसी लगा के यहाँ की तरफ वातावरण बना के क्लोज में अपने ग्रीन हाउस में यहीं का बीज ले जाके, आज हमारे को पता चला कि यहाँ का बीज ले जाके अमेरिका में उस पे टिश्यू कल्चर में आगे पौधे तैयार हो रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे लिए एक जो
सरकार के लिए जो एक चैलेंज है कि हम इतना बीज कहां से लाएंगे। पहले तो ये है कि चर्चा होगी जिले वाइज, 11 तारीख को कुल्लू और मंडी का अभी जो है संभावना है कि हम एक कार्यक्रम रख रहे हैं कुल्लू में, पहले कुल्लू में फिर मंडी में, और उसके बाद चंबा और कांगड़ा, ये पहले दौर में 4 जिलों में जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, जिस क्षेत्र से ज्यादा मांग आएगी उन्हीं क्षेत्रों को हम इसकी खेती के लिए, क्योंकि पहले लोग भी तैयार होने चाहिए, लोग हम जबरदस्ती क्यों बोले, कोई लोग तैयार होंगे लोगों की तरफ से, यह आएगी कि हम इसको इसकी गुणवत्ता को जानते हुए कोई चाहते हैं कि हम इंटरक्रॉपिंग में यूज करें। और बाकी डाटा हमारे पास आ रहा है, हमारे पास जो भी है नारकोटिक्स विभाग के से भी पूरे डाटे आ जाते हैं कि कहाँ पे कितनी भांग उगती है, लेकिन वो डाटा बेशक स्टडी के लिए इस्तेमाल होगा, उसको आधिकारिक डाटा तो होगा नहीं, स्टडी से तो हो जाएगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम बिल्कुल प्रभावित हैं, कमेटी ने ये पाया है, और अब इसको कैसे आगे लागू करना है उसके लिए जनता के बीच में संवाद किया जाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा सहयोग दे रहे हैं, अभी और लोग और जिलों से जुड़ना चाह रहे हैं। नान में हम रुके थे तो नान के लोग भी हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे थे एक दिन वहां पे भी ये रिंग रखा जाए। तो इसमें आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि 11 तारीख को कुल्लू और मंडी में, और लगभग 12 तारीख को अगर कोई प्रोग्राम अगर बदल आ जाता तो वो भी आपके माध्यम से हम बता दें, लेकिन अब हम जनता के बीच में इसके जनता से हमें इन बातों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। बाकी जो औद्योगिक हमारे को अभी बड़े बड़े सारे विदेशों से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आ रहे हैं कि हम आके आपके यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जो फैक्ट्री वो कोई भांग मलने वाली फैक्ट्री नहीं होगी, दवाई बनाने वाली फैक्ट्री होगी जो दवाइयां बनाएगी, इससे जो CBD कैप्सूल्स बनेंगे। आज आप, मैं देख रहा था आप नेट पे, आप अपने गूगल पे सर्च मारिए, CBD कैप्सूल अमेरिका से आ रहे हैं इंडिया को, और एक एक कैप्सूल 200-200 रुपए का है। CBD वो दवाइयां है जो कि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। कोरोना के वक्त में इसराइल ने इसको इस्तेमाल किया था, इसराइल आना चाहता है, ईरान आना चाहता है, बारेन आना चाहता है, अमेरिका के बहुत सारे कंपनीज आनी चाहती है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, हमारी सरकार इसे इसके जो सकारात्मक पहलू है, जो नशा के बगैर नशे को प्रोत्साहन देना बिल्कुल भी इस पॉलिसी का काम नहीं है, दवाइयों के लिए भांग का इस्तेमाल हो, इस पे हम आगे बढ़ेंगे। और टेक्सटाइल में, पेपर में, पेपर इसका बहुत बढ़िया बनता है, और बहुत सारी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में इसका, ये तो आप आज भी उगा सकते हैं लीगली, अगर वो जो जैसी भांग की खेती, ये तो हमने पता नहीं क्यों आज तक इन बातों को गहनता से हमने पढ़ा नहीं, इनके कानून में अंदर घुसे नहीं। अभी ये पाया गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो आप सिंपल DC सेक्शन 10 के तहत प्रदेश का सब्जेक्ट है, क्या आप इसको कर सकते हैं, जो नशे बगैर नशे वाली भांग है जिससे कि रेशा पैदा होगा, लेकिन इसका डंठल से लेकर जड़ से लेकर उसका वहां पे अपना ये ऋषिकेश के पास मकान बने हुए, कॉटेज बनी हुई है जिसमें कि जो पर्यावरण फ्रेंडली कॉटेज है, उसके बिल्कुल ब्लॉक्स बनते हैं वो भी हमने देखे। तो इसमें बहुत बड़ा एक हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में है बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ये जो हम कीटनाशक और ये सारी चीजें, इसमें भी जो स्प्रे हो रही है, हमारे सॉइल खराब हो रहा है, उसमें भी फायदा मिलेगा। और भांग जो है, ये जो रेडिएशंस है, एटॉमिक रेडिएशंस, इसको भी वो जो आप खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल, जहां पे एटॉमिक बम का वो होता है ना प्रशिक्षण, वहीं पे इसकी खेती की जाती है ताकि वहां पे रेडिएशंस कम की जाए। बहुत सारे पहलू हमने इतने दिनों में देखे हैं, और हमारी टीम ने एक एक बात पे हमने इस पे अध्ययन
किया है, लोगों से जानकारी ली है और खासतौर पे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी जो सोच है बहुत स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि भांग का इस्तेमाल दवाइयों के लिए और उद्योग के लिए होना चाहिए। इसके लिए हम जो है विस्तृत पूरे हिमाचल में दौरा करेंगे और बहुत जल्दी हिमाचल जो है पूरे भारतवर्ष में सब सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी लेकर आने वाला है, सर्वश्रेष्ठ। ये व्यवस्था परिवर्तन है कि हम और जितने प्रदेशों की वो है ना, उनसे जानकारी लेके हम एक कदम आगे बढ़ते हुए सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी इस पे लाएंगे, ताकि जो ये कानून के पेच में हमारे गांव का नौजवान और जो बेरोजगार फंसा हुआ है और वो लालच में आकर इसके गैर कानूनी काम में पड़ रहा है, उसे कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना जो दवाइयों के लिए बिना नशे वाली भांग है या कंट्रोल्ड में उगाई गई भांग है, कंट्रोल्ड फार्मिंग में, उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और ये जो नशे का जो ये जो बड़ा बाजार इलीगल जो चल रहा है, इसे जो है जो रोकने में फायदा मिलेगा और ये रोजगार के लिए और पर्यटन के लिए बहुत बड़ा कदम साबित होगा, ये मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ। सर, भांग की पॉलिसी बनाई जा रही है तो क्या अफीम को भी इसमें ऐड किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं? अभी तो सिर्फ क्योंकि अफीम का ऑलरेडी भारतवर्ष में एक पॉलिसी है, लेकिन हिमाचल में जो हमारे पर्यावरण के साथ मेल खा रहा है, क्योंकि हिमाचल में अफीम तो आप जो हमारे जितने ये मैदानी इलाके हैं उनमें अफीम बहुत उगाई जाती है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, लेकिन ये एक ऐसा औषधीय पौधा होगा जिसका कि स्कोप ही पहाड़ी प्रदेश में है और फिलहाल हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। आगे देखेंगे, आगे कोई और होगा इसके बाद तो वो सरकार के ऊपर है, और लेकिन फिलहाल हमारी सरकार चाहती है कि ये औषधीय गुणों वाली भांग को मेडिसिनल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाए। देखिए, हमारा तो ये टारगेट है कि बहुत, वैसे तो कमेटी को कहा गया कि एक महीने के अंदर आप रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन वास्तविक तौर पे अगर आपने इतने गहन चिंतन करना हो, हम तो दिन रात करके हमने 4 दिन में इतने सारे प्रदेशों में जाकर सभी चीजों को देखा, और जिस वजह से मैं तो आज देख रहा था कि मैं बड़े दिनों से बहुत तेजी से हम सफर कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं चाहता हूँ, अब पब्लिक की बात है, जो इसका पहलू हमारा जो औद्योगिक पहलू है या कानूनी पहलू है, ये सब हम कर चुके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी हमें कहा है कि आप पॉलिसी बनाइए। अब तो सभी पार्टियां साथ है, कानून का भी हमारे को सहारा है, जनता क्या चाहती है उसके लिए हम जनता के बीच में जाएंगे, और मैं समझता हूं कि अगले 1-1.5 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर ये कुछ न कुछ इसका नतीजा पॉलिसी के रूप में आना चाहिए। सर, ये उत्तराखंड सरकार ने कुछ इकोनॉमिकल एनालिसिस भी किया है कि हाँ जी 4 साल से ये कर रहे हैं तो इतना हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, या इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है, या छोटे से छोटे एंड स्तर के जो गरीब किसान है उसको क्या लाभ हुआ है, एनालिसिस 4 साल में क्या मतलब फर्क है? देखिए, उत्तराखंड ने जो ये नोडल स्टेट फॉर हेम्प बना, उसमें उन्होंने ज्यादा उनका ज्यादा शोध कार्य चलते रहे, और अब क्योंकि ये आया कि कितने वक्त में, अब जैसे प्लेन में है कि 1 साल में 4 फसलें ले सकते हैं, पहाड़ों में आप 2 फसल ले सकते हैं, ऐसी ऐसी वो है, वैरायटीज है। तो अब हमने क्या किया, उनसे जो लेकर हमने सीड बैंक में, अभी हमने अपने जो है ये जो नॉनी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, हमारी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, इनके साइंटिस्ट से भी हमने बात की है, और सभी को जोड़कर मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो हमारे को जो है एक सीड बैंक बनाना पड़ेगा, फिर उसके साथ में GI टैगिंग करनी पड़ेगी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है, GI टैगिंग, एक जियो टैगिंग, और इसके जो भांग के स्ट्रेन है कि उत्तराखंड में कौन सा स्ट्रेन है,
शिमला में कौन सा स्ट्रेन है, चुरा में चंबा में कौन सा स्ट्रेन है, हिमाचल में कौन सा स्ट्रेन है, इन सभी स्ट्रेनों को पेटेंट करने के ऊपर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे ये जो हमारा एक अधिकार जो होना चाहिए था, जो किसी वजह से इन सालों में नहीं हुआ। तो वहां पे जो आपने उत्तराखंड का मेरे से बात कही है, उन्होंने जो है बहुत लंबा समय ना उनका जो इसमें लग गया था जो शोध कार्य में, लेकिन अब आगे आ रहा है। अभी उन्होंने जो मुझे आंकड़े दिए हैं वो अलग है। कुछ फार्मर कहते हैं कि हमारे को इतना फायदा हो रहा है, कुछ कंपनीज कह रही है कि हमारे को इतना फायदा होगा, लेकिन जो भी आंकड़े हैं, जो भी पर बीघा या पर हेक्टर है, वो एक बहुत अच्छे एक इसका जो है बहुत अच्छा पैसा है जो पर हेक्टर बन रहा है, जो कि नॉर्मल खेती से या नॉर्मल जो हम चीजें उगा रहे हैं उससे बहुत बेहतर है, और ये एक बहुत बढ़िया वैकल्पिक खेती होने वाली है। आप ये जो रिपोर्ट है ये सरकार को सबमिट करेंगे या विधानसभा में लाएंगे, क्योंकि सभी दलों के सहयोग मिल रहा है, तो आप विधानसभा में कानून बनाएंगे? देखिए आपका बिल्कुल क्या नाम है, अभी तो इसको प्राथमिक तौर पे तो ये सरकार को जाएगी, अब उसके बाद क्योंकि ये कमेटी विधानसभा में चर्चा के बाद बनी है, हम देखते हैं अभी ये फैसला करना सरकार की तरफ से होगा, इसको कहाँ लेके जाना है। लेकिन ये जरूर है कि ये इसमें इतना बड़ा कोई कानूनी जो हमने वहाँ पढ़ा है कि कोई इतना बड़ा कानूनी दाव पेश नहीं है, ये वैसे ही उलझता रहा एक सोच की वजह से कि हमने इस सकारात्मक पहलू को कभी देखा नहीं, तो ऐसे कोई कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन निस्संदेह इसमें सभी लोगों को, पूरे हिमाचल के लोगों को इसके उसमें जो कहते हैं कि विश्वास में लिया जाएगा, और जैसा भी आगे होगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई हो रही है। सर अगर ये जैसे कामयाब होगी स्कीम, तो अगर सारे लोग जो है वो भांग की तरफ भी आकर्षित हो गए और बाकी कैश क्रॉप जैसे हमारा सेब है या कीवी है या अनार है उसकी खेती बंद कर दें और वो जो ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर होगा उसकी तरफ आ जाएं, तो इसके लिए क्या पॉलिसी या क्या रेगुलेशन या क्या गाइडलाइंस सोचिए? आपका बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें क्योंकि अब हम भी बहुत बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारी पहलू पे हम भी चर्चा कर चुके हैं। हमारे को अभी अगर हिमाचल इसमें फ्रंट रनर बनता है या अग्रणी प्रदेश बनता है, तो इसमें क्या होगा कि पूरे भारतवर्ष में दवाइयों की कितनी मांग है, कितना वो एक डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है कि इस बीमारी के लिए इतनी दवाइयां बाहर से इंपोर्ट होती है, इस दवाइयों के लिए इतनी बार से इंपोर्ट होती है, वो इंपोर्ट रोका जाएगा पहले, तो उसके मुताबिक कितनी डिमांड पैदा, कितनी जरूरत है, कितने हेक्टर में वो होगी, वो शोध एक आंकड़े होंगे बनेंगे कि इतने हेक्टर में इतना इतना सीबीडी निकलता है, सीबीडी यानी कि जो दवाई वाला कंपाउंड है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है। ये जब हमारे को हम इसका जैसे लीगल जैसे हम इसका कानून बनाते हैं हिमाचल में, जैसे इसकी कानूनी वैधता हमारी सरकार इसकी करती है, उसके बाद ये कोटा जो है नारकोटिक्स जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स उनसे इसका डाटा लिया जाएगा, और हमारे अपनी जो है ये बड़े बड़े घराने हैं, बेशक डाबर है, बेशक फार्मा जितनी इंडस्ट्री बड़ी बड़ी है, कोई भी आप ले लो, इवन रामदेव जी भी आ सकते हैं, तो अगर ये सारे अपने बताएंगे कि इनको कितनी डिमांड है, जो डिमांड होगी उस हिसाब से खेती होगी, ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे को परमिट होगा कंट्रोल्ड। अब किसको कितना परमिट देना है वो अब डिपेंड करेगा कि कितने लोग आगे आते हैं, कितने लोग मांग करते हैं कि हमारे को जो है इसमें भांग की खेती में हिस्सा दिया जाए, हम ये करना चाहते हैं। वो इच्छा भी लोगों की होनी चाहिए ना, कोई चीजें थोपी नहीं जा सकती है, लोगों में होगा कि हम इसका करना चाहते हैं तो तभी आगे आएगा। तो इस हिसाब से ये तय होगा, पहले डिमांड और सप्लाई, उसके हिसाब से फालतू खेती नहीं होने देंगे। क्राइटेरिया भी कोई फिक्स किया जाएगा इसको लेके? देखिए अभी तो वही बात है कि अभी चर्चा चल रही है, मैंने आपको बता दिया डिमांड और सप्लाई की बात है, फिर किस एरिया में कौन सा कंपाउंड पैदा हो रहा है, उस कंपाउंड की कितनी जरूरत है, बेस्ट कंपाउंड कहाँ है, अब गर्मियों में